हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो भाई साल 2023 खत्म होने को आया है, लेकिन भाई सुपर हिट मूवीज का सिलसिला चलता जा रहा है। एक के बाद एक सुपर हिट मूवीज देखते जा रहे हैं भाई, और 2023 में एक और सुपर हिट मूवी का नाम जुड़ चुका है, जिसका नाम है एनिमल। भाई आज एनिमल मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा, इसमें कोई भी स्पॉइलर्स नहीं दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए डिटेल में बात करते हैं भाई। एनिमल मूवी बहुत ही जबरदस्त मूवी बनाई गई है, आपको बता देना चाहता हूं। एनिमल मूवी गई है संदीप रेड्डी वांगा के द्वारा, जिन्होंने पहले भी अपनी दो सुपर हिट मूवीज बनाई थी, जिनका नाम था अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह। भाई जो दो सुपरस्टार्स पैदा किए थे, और उसके बाद एक और सुपरस्टार पैदा कर दिया है इस मूवी से, जिसका नाम है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर भाई, जो मूवी स्टार्टिंग होती है तो वहां पर लिखा आता है सुपरस्टार रणबीर कपूर, तो वो कहना गलत नहीं होगा भाई। बॉलीवुड को उनका एक और सुपरस्टार मिल चुका है, जिसका नाम है रणबीर कपूर, जिसे भाई सबसे अंडररेटेड एक्टर माना जाता है। लेकिन भाई रणबीर कपूर की बात करें तो हर तरह की एक्टिंग कर सकते हैं भाई। आज तक उन्होंने मतलब ऐसी एक्टिंग कभी नहीं की है, लेकिन भाई उनका ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी में देखना, फ्रॉम दी लवर बॉय टू इंटेंस एक्शन रोल, इंटेंस वायलेंट रोल प्ले किया है भाई, तो वो एक अपने आप में ही भाई आपका एक एक्सपीरियंस रहेगा जब आप थिएटर्स में उनको ऐसे देखेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त लगता है उनका ऑन दी स्क्रीन प्ले, जो उन्होंने प्ले किया है एज एन आर्टिस्ट। भाई उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जब आप रणबीर कपूर को ऑन दी स्क्रीन देखते हैं। 3.5 घंटे की मूवी है, लेकिन फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी फील नहीं होगा कि 3.5 घंटे की मूवी बहुत ही लेंथी मूवी बनाई गई है। मैंने फ्रेंड्स थिएटर्स में ऑडियंस का रिएक्शन देखा है इस मूवी का, तो भाई जबरदस्त रिस्पॉन्स है। थिएटर हाउसफुल है भाई पूरे, एक भी टिकट नहीं बची इस मूवी के लिए। तो फ्रेंड्स आप अंदाजा लगा सकते हैं, ए रेटिंग के बावजूद भाई हाउसफुल मूवीज तो बहुत ही कम देखी है, लेकिन भाई ये बहुत देर बाद ऐसा क्रेज देखा है किसी मूवी के लिए, जिसका नाम है एनिमल। फ्रेंड्स अगर एनिमल मूवी की बात करें तो 2 दिन में 236 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो भाई अभी 3रे दिन का कलेक्शन बाकी है, जो कि संडे का कलेक्शन है, तो वो पता नहीं कहां पर जाएगा, क्योंकि संडे के तो सारे शोज हाउसफुल थे, कोई भी शो नहीं ऐसा था जो कि फ्रेंड्स खाली हो, वहां पर एक भी टिकट बची हो। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स स्टार्टिंग नोट लेती है, जहां पर हम देखते हैं रणबीर कपूर का बचपन से भाई उनकी इंटेंस रोल दिखाया गया है, जो कि हम देखते हैं फादर सन का बॉन्ड होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन भाई इसमें एक्चुअली दिखाया गया कि एक बेटा जो अपने बाप से प्यार करता था, तो वो किस हद तक जा सकता है अपने बाप को बचाने के लिए। उन दोनों में काफी इश्यूज दिखाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भाई जो उसने अपने पापा को बचाने के लिए किया है, तो वो हैट्स ऑफ है भाई इस मूवी में जो दिखाया गया रणबीर कपूर का। बचपन से ही भाई वो अपनी फैमिली के लिए काफी पोजेसिवनेस रखता था। जब बचपन में उसका एक कॉलेज सीन दिखाया गया, जब कॉलेज में चला जाता है अपनी बहन के उसको बचाने के लिए रैगिंग से, तो भाई वो सीन तो बहुत ही जबरदस्त था, कबीर सिंह की याद दिला देता है वो सीन। और उसके बाद भाई हमें उनकी लव केमिस्ट्री दिखाई जाती है रश्मिका मंदाना के साथ। रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर का एक फ्रेश पेयर ऑन दी स्क्रीन आपको देखने को मिलता है, और उनकी जो लव केमिस्ट्री दिखाई गई है वो बहुत ही शानदार थी। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं फैमिली ड्रामा में, जहां पर हमें इंटरवल ब्लॉक दिखाया जाता है 15 से 20 मिनट का, जहां पर इंटेंस एक्शन दिखाया जाता है, वॉयलेंस दिखाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी मूवी में वॉयलेंस ही वॉयलेंस है, तो फ्रेंड्स यहां पर आप पूरे गलत साबित होते हैं, क्योंकि पूरी मूवी में कहीं भी आपको एक्शन ही एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आपको स्टोरी भी देखने को मिलेगी, स्टोरी यूनिक तो नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत अच्छी स्टोरी दिखाई गई है, फैमिली ड्रामा स्टोरी है। और फ्रेंड्स एक्शन सिर्फ आपको इंटरवल से 15-20 मिनट पहले और मूवी खत्म होने के 10-15 मिनट पहले आपको दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये अच्छी बात है, तो इसके लिए आप फ्रेंड्स मूवी देख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फैमिली के साथ मूवी नहीं देख सकते। जो भी कंफर्टेबल नहीं है अपनी फैमिली के साथ ऐसे किसिंग सीन्स देखने के लिए या कुछ ऐसे डायलॉग्स के लिए जो बोले जाते हैं मूवी में, तो भाई 15-20 मिनट का इंटरवल ब्लॉक के बाद मूवी आगे बढ़ती है, जहां पर हमें बॉबी देओल का कैमियो देखने को मिलता है। कैमियो नहीं बोलूंगा, छोटा सा रोल बोलेंगे, जो कि 15 से 20 मिनट का रोल रहता है उनका। बहुत ही अच्छा रोल दिखाया गया है, जहां से भाई आगे स्टोरी बिल्डअप होती है और वहां पर हमें क्लाइमेक्स सीन दिखाया जाता है। क्लाइमेक्स सीन फ्रेंड्स कोई नहीं भूल सकता इस मूवी का। क्लाइमेक्स सीन इस मूवी का इतना जबरदस्त दिखाया गया है, जहां पर बाप बेटे के बीच में बातचीत होती है, और इतनी खतरनाक बातचीत होती है भाई, जहां पर अपने दिल के सारे राज खोले जाते हैं दोनों के बीच में। तो फ्रेंड्स ये सारी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो रणबीर कपूर भाई रोते हैं, तो वो पता लगता है कि एक आदमी जब रोता है तो भाई कितना खुलकर रोता है, तो वो हमें देखने को मिलता है। वैसे तो आदमी एक रोता नहीं है, लेकिन बंदा जब रोता है ना तो भाई वो बहुत खुलकर रोता है, तो वो हमें इस मूवी में देखने को मिला।
और इसके बाद भाई आप पोस्ट क्लाइमेक्स सीन देखना ना भूले, पोस्ट क्रेडिट सीन हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स एनिमल पार्क मूवी की शुरुआत करता है। तो भाई बहुत कुछ है इस मूवी में देखने के लिए, लेकिन रणबीर कपूर का फ्रेंड्स आप अगर सोचेंगे ना तो आपने सभी शेड्स देख लिए मूवी के एंड तक, लेकिन उसके बाद जब पोस्ट क्रेडिट सीन में उसका वो शेड देखने को मिलता है तो वो दैट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। आप सोचेंगे कि रणबीर कपूर ये भी रोल प्ले कर सकते हैं भाई, तो वो बहुत ही जबरदस्त सीन था। अब सारा कुछ इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप फ्रेंड्स मूवी देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इसके बाद अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन संदीप रेड्डी वांगा की बहुत जबरदस्त दिखाई गई है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी दिखाई गई है, और जो भाई मशीन गन दिखाई गई है इस मूवी में, भाई वो कौन दिखाता है मशीन गन, भाई पूरी की पूरी मेड इन इंडिया दिखाई गई है। और वहां पर एक मराठी एक्टर था जिसका रोल भाई छोटा सा था लेकिन इतना इम्पैक्टफुल रोल था भाई वो इंटरवल ब्लॉक में, तो फ्रेंड्स वो आप देखना ना भूले, वो बहुत ही जबरदस्त सीन था। इसके बाद फ्रेंड्स साउंड एंड म्यूजिक की बात करें तो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक इतना जबरदस्त है, आपको हॉलीवुड म्यूजिक की फ्रेंड्स आपको याद दिला देगा, और भाई गूज बम्स ले आता है बैकग्राउंड म्यूजिक जब भी फ्रेंड्स रणबीर कपूर की एंट्री होती है या कोई वॉयलेंस एक्शन सीन दिखाया जाता है तो वहां पर जब बीजीएम बजता है, या फ्रेंड्स इस मूवी के सॉन्ग्स की बात करें अर्जन बेली सॉन्ग पापा मेरी जान, भाई आप ये ऐसे दो सॉन्ग हैं जब मूवी से देख कर उठेंगे ना तो आपके मुंह से ये सॉन्ग्स हटेंगे नहीं, मैं भी फ्रेंड्स खुद बोलता जा रहा हूँ ये सॉन्ग्स, तो ऐसे सॉन्ग्स हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मूवी बहुत ही बढ़िया थी, अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपको फुल एंटरटेनमेंट देगी, एंटरटेनमेंट की में आपके कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस मूवी को रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से 4.5 स्टार्स रेटिंग। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।